क्या है? ये हंसी क्यों आ रही है? ओए ये क्या कर रहा है? हैं? गर्मी हो गई है? ये क्या कर रहा है गीला कपड़ा करके? रोजे वाले को गर्मी है। हैं? रोजे वाले को गर्मी है। अच्छा फिर गले कपड़े करके दे रहे हो। हाँ जी इधर बैठी हैं अम्मा जी, सुनाएं फिर गर्मी के कैसे हाल हैं? हाँ जी गर्मी तो बड़ी आई, जोर शोर ना रही, आखिरी जुम्मा आई। आखिरी जुम्मा और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको जुम्मा मुबारक। तो जुम्मे का टाइम होने वाला, बस अभी जुम्मे पे ही जाने लगा था। इधर बैठी हुई थी अम्मा साए में। बिल्लियाँ कहाँ गई हमारी? देखो कमरे में। अच्छा खुद बाहर बैठी है, बिल्लियों को अंदर बिठाया हुआ है? क्या हाल है, कोई ग्रो कर रही है, फील हो रही है? माशाल्लाह उम्मीद है चढ़ो इस जिंदगी अल्लाह नाम। जब शुरू में मिली थी ना तो हिलती भी नहीं थी, फिर उनको रोजाना इंजेक्शन से हम उनको दूध पिलाते हैं, मतलब दिन में तकरीबन 3 से 4 बार तो पिलाते हैं। ऐसे ही है ना मजी? इससे भी ज़्यादा मैं कह रही हूँ बुलाते हैं। तो अब ना मतलब वो भागती भी हैं, मतलब डब्बा रखा हुआ है हमने, वहाँ आपको वापसी भी आके जुम्मे से दिखाऊंगा। तो डब्बे के अंदर चीखती चलाती भी रहती हैं, भागती भी रहती हैं। बिल्ली जो उनकी माँ है ना, बहुत ही कोई डीट निकली है, वो लेने नहीं आई। मैं उसने कोई ट्राई भी नहीं की, ट्राई की थी करीब, कोई नहीं उसको भी कोई छोड़ देगा। खैर अभी मैं चाहता हूँ जुम्मे पे इंशाल्लाह जुम्मा पढ़ के आते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। गलियां जो है ना बिल्कुल सनसान पड़ी हुई हैं, बकरियां बेचारी साए में बैठी हैं। दीवारों से इस तरह से गर्मी की शिद्दत है कि दीवार के साथ हाथ लगाओ ना यकीन बन जाए हाथ जलता है, इतनी शदीद वाली गर्मी पड़ रही है, खुद ही अंदाज़ा लगा ले। अल्लाह भी भाई इम्तिहान ले रहा है। हाँ जी तो वेलकम बैक आफ्टर जुम्मा वंस अगेन, आप सबको बहुत ज़्यादा जुम्मा मुबारक। और भाई एक तो भाई है जब से रगड़ाई स्टार्ट हुई है ना, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, लाइटें क्यों बंद की हुई हैं? जुम्मा मुबारक। अम्मा गर्मी बहुत है भाई, बहुत ज्यादा है भाई, मचाई खड़ी है। टेम्परेचर क्या चल रहा है जी? टेम्परेचर देखें जी 41 अभी तक और फील्स लाइक 43। आज तो जुम्मा है ना, तो आज भाई लियाकत ने भी आना होगा क्योंकि आगे ईद आ रही है, छुट्टियां है, वीकेंड भी है। मैं तो आज सोच रहा था कि कहीं बाहर अफ्तारी करने जब बाहर आके नानो के घर जाना है। चल भाई ले आ सामान फिर, क्या मैं जाऊँ लाया? हाँ जी तैयारी करा, करिए तैयारी। ले जी शावेज भी आ रहा है, अब ईद के बाद ही जाएंगे ना? हाँ ईद के बाद ही घर जाएंगे। जुम्मा भी है आगे, वीकेंड आ रहा है। इस बार ईद की छुट्टियाँ जो है ना पुराने पाकिस्तान में थोड़ी ज़्यादा मिली हैं, बिजली जो है ना पुराने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जा रही है। और नवाज शरीफ साहब, बल्कि नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो गए हुए उमरा करने, मुल्क की बिजली बंद करके कि ना कहीं लोड शेडिंग ज़्यादा हो गई तो परेशान होंगे लोग, इसलिए भेजते नहीं है। इतनी लाइट जा रही है ना, अफ्तारी के टाइम लाइट नहीं होती, सहरी के टाइम लाइट नहीं, आज तो सहरी टाइम UPS भी बंद हो गया था, इतनी लाइट मतलब जा रही है आजकल। अल्लाह ही खैर करे। हाँ मोबाइल ठीक है, चेंज करवाने वाला है, हो गया अब टाइम। इसका कितना हो गया है डिस्टेंस जो चला सकते हैं? 2200 हो गया मेरा। तो फिर 3000-4000 पे करवाते हैं लोग, 5000 पे भी करवाते हैं। हम 2500 पे करवाएंगे। हम 2500 पे हम करवाएंगे। हाँ जी तो अभी बस हम टाउन जा रहे हैं और सामान वगैरह सारा खरीद के लाते हैं, क्योंकि आज आ रहा है शावेज भाई, लियाकत भाभी आ रहे हैं तो अफ्तारी घर पर ही करेंगे। पहले तो उनका प्लान था कि अपने ससुराल, भाभी का ससुराल होता है ना, मेको होता है ससुराल होता है, मेके होते हैं, मेके पता नहीं, मतलब जो भाभी की अम्मी का घर है उधर उन्होंने अफ्तारी करनी, भाई लियाकत का ससुराल है तो उधर अफ्तारी करनी थी, लेकिन ये मेरी ना कन्फ्यूजन अभी तक दूर नहीं है, मिक्स हो जाती है। लेकिन फिर उधर उन्होंने प्लान किया जी कैंसिल और अभी आ रहे हैं वापस घर, तो
इस वजह से ना तैयारी वगैरह सारी करनी है, तो उसके लिए फ्रूट्स वगैरह खरीद के लाते हैं। बाकी जो गर्म चीज़ें होती हैं, मतलब कि जो गर्म गर्म खाने वाली होती है, वो बाद में खरीद लेंगे, लेकिन अभी जो खास खास चीज़ें वो खरीद के ले आते हैं। हाँ जी, साल आए किस तरह लगाए हुए हैं केले? केला 180 रुपए। 180 ते खरबूजा? खरबूजा 100 रुपए 50 रुपए। यार कल 80 रुपए दे रहे थे, ये कल वाला भी अभी तक तो नहीं बिका है। कल वाला यही बड़ा 80 रुपए दे रहा है, 100 रुपए दे रहे हैं। कल वाला खत्म हो गया है, मैं यहीं से लेके गया था, मुझे पता है ये इलाके में कितना बिकता है। अच्छा आड़ू किस तरह? 300। केले सही देना यार, तुम लोग ना तुम्हारा मसला ये छुपा के चीज दे देते तो घर निकलती है जाके खराब। अगले दिन मैंने घर से बेइज्जती करवाई है, लेके गया हूँ सेब, वो सारे खराब निकले। आप तो यकीन करके लेते हैं यार, फिर सही दिया करो। मैं कल परसों अपनी बेइज्जती करवाई है, आज मैं नहीं करवाना चाहता, सही तसल्ली से देख के ले लें जो जो चीज़ें ले रहा था। मैंने कहना सदाकत बारगेनिंग करने वाला था। मेहरबानी सर, मेहरबानी। सामान जो है ना सारा हमने खरीद लिया, बस अभी कुछ रह गया था, वो सदाकत जा रहा है चाट मसाला खरीदने, फ्रूट चाट के लिए, तो बस वो लेके आता है। और फ्रूट्स वालों के साथ ना बार्गेनिंग करना पड़ती है, करना नहीं चाहिए लेकिन करना पड़ रही है, क्योंकि ना असल में ना मतलब नहीं वो ना कोई गवर्नमेंट के कोई रेट ही नहीं होते, अपने ही रेट्स लगाए हुए हैं, सब कुछ खुद किया हुआ है। कल यही खरबूजा मैं लेके गया था, कल भी मैंने बताया था 80 रुपए दे रहे थे, और आज वही खरबूजा सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, 100 रुपए दे रहे हैं। और ये भी नहीं कि नया ले आए हों, पिछला ख़त्म हो गया, मैंने देखा वही पड़ा था, और वो भी 80 रुपए से 100 रुपए में पहुँच गए थे। केले जो हैं 150 रुपए दे रहे थे, आज 180 रुपए, मतलब अपने ही रेट्स लगा रहे हैं जैसे दिल करता है, फिर बंदे को ना अच्छा नहीं लगता यार। एक गवर्नमेंट के रेट्स होते हैं ना, वो हों तो फिर तो अच्छी बात है, वो भी नहीं फॉलो करते ये। हाँ जी, अब और क्या खरीदना है? तरबूज खरीदना है या इसके अलावा या कुछ और? देख लो आगे से देखते हैं, नहीं तो फिर घर चलते हैं। बाकी समोसे पकौड़े हैं वो तो शाम को ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, मक्खी के पीछे पड़ गया है। नहीं तो मक्खियाँ गाड़ी में घुस आती हैं अक्सर, और इतना तंग करती हैं ना। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आज लेमन माल्ट है ठंडी, कोई ना चल जा रहे हैं, तेन ढूंढनी पैनी है, तुम्हें गर्म ही दे रहे। इधर बड़ी मिठाइयाँ शिठाइयाँ पैक हो गई। हाँ जी, बड़ा भाई औखा काम है ये, पकड़े गिर रहे हैं ये तो, अंदर खेल रहे हैं, गिर गए ये। आड़ू ही नहीं? हाँ आड़ू के, ये मैं अपने लिए स्पेशल लेके आया हूँ कोल्ड ड्रिंक, ये मैंने इफ्तारी के बाद इशा के बाद रात को सोने से पहले पीनी है, बड़ी मज़े की होती है। बस यही है ना, बाकी समोसे वगैरह बाद में ले लेंगे। ओ तेरी बंद हो जा। अस्सलाम वालेकुम, सलाम दो भाई जरे, शावेज आ चुका है जी घर। हाँ जी, कैसा रहा सफर? उसके फ्रेंड भी आ गए हैं भाई से मिलने के लिए, शावेज के फ्रेंड्स आ गए मिलने के लिए। हाँ जी, कैसा रहा सफर? अभी शावेज जो है ना रेस्ट के मूड में, और अफ्तारी का टाइम होने में ऑलमोस्ट बस 15 मिनट रह गए। क्या ये हंसी क्यों आ रही है? किचली आ रही है, पैसे से बैंक कैसे आ रही है? शावेज अपने फ्रेंड्स को पहचान, ये फ्रेंड है तुम्हारा?
चलें जी अभी करते हैं अफ्तारी। अफ्तारी का टाइम होने वाला है, बस 10-15 मिनट जो आखिरी होते हैं ना वो बहुत मुश्किल गुजरते हैं। अफ्तारी की हो गई है जी तैयारी मुकम्मल और दस्तरखान जी सजा दिया है। इधर वही पकौड़े, तरबूज, कस्टर्ड, इधर इमली का पानी है, इधर जामशीरी है, इधर खजूरें हैं, इधर समोसे हैं जो मैंने शॉपर से निकाले नहीं है, इधर मैंने रखे हुए हैं जी दही बड़े और इधर पड़ी है जी फ्रूट चाट। तो इधर से अब लगता है जी आमद हो गई है सबकी। हाँ, इसको सबसे पहले इंटर होना होता है। भाई लियाकत को बुला गला जिनके लिए तैयारी की है, भाई मुनव्वर को भी बुला। एक काम नहीं इसने किया, मैं ही सुबह से लगा हूँ सारा इधर उधर कर कूर कूर के ना फाइनली जो है ना दस्तरखान सजा दिया। ले जी हमारे मेहमान खसूसी आ गए, हमारा सबसे जरूरी शदीद रोना लग रहा है भाई। ये आजकल भाई बड़ी स्माइलें मार रहा है। खैर है, आओ शेरी भी आ गया। शेरी दरवाजा बंद करके आ जाओ, जूते बाहर उतारो। तो फाइनली जो है ना अफ्तारी के हमारे सारा दस्तरखान सज चुका है, सारे हमारे मेहमान खसूसी और हमारे मेहमान आम जो हैं वो सारे आ चुके हैं। और अफ्तारी के टाइम होने में रह गए जी 4 मिनट। 4 मिनट दुआ मांगे लंबी सारी पाकिस्तान के लिए, घर के लिए, इलाके के लिए, मोहल्ले के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए और स्पेशली तौर पर अपने लिए। तो दुआ शुरू करते हैं जी। आज दुआ होगी लंबी सारी, मेहमान ज़्यादा ना तो दुआ भी लंबी सारी। तो फिर जी करते हैं अफ्तारी और इंशाल्लाह अफ्तारी के बाद मिलते हैं। तो अफ्तारी जो है ना हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है और ये जो हमारा रोज़ायत है ना रोज़ेदार रोज़ा रख के अफ्तारी करके पेट भर के अब आ गया जी ठंडी हवा खाने। इसको बड़े दिनों के बाद मिलती है ना छत की खुली हवा खाने को। तो अभी छत पे आया और हम भी थोड़ा ना बस छत हमारी बड़ी सारी है तो वाक हो जाती है हमारी छत पे सीढ़ियाँ चढ़ उतर के। तो अफ्तारी जो है ना हज़म हो जाती है, बाद में फिर आराम से बंदा कुछ और भी खा सकता है। क्या खा के आयो, दूध पी के आयो। खैर अभी की वीडियो को करते हैं ख़त्म। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर मस्ट है। आगे ईद भी आने वाली है तो इंशाल्लाह आपके साथ व्लॉग बड़े मज़े के शेयर किया करेंगे। तो अभी की वीडियो को करते हैं ख़त्म। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कर लें और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।